भारत आज अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में इतिहास रचने जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने आज चंद्रयान 2 को चंद्रमा की सतह पर उतारेगा। सॉफ्ट लैंडिंग के जरिए ये यान धीरे और सुरक्षित तरीके से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। बता दें कि लैंडिंग की जिम्मेदारी विक्रम लैंडर की है। चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए इसरो ने अपने सबसे ताकतवर रॉकेट GSLV Mark III का उपयोग किया है, जो कि क्रायोजेनिक इंजन से संचालित होता है। इसके जरिए अंतरिक्ष एजेंसी ने ऑर्बिटर विज्ञान लैंडर प्रज्ञान रोवर को भेजा गया है। बता दें कि ऑर्बिटर चांद की परिक्रमा करेगा, जिसका वजन 2.4 टन है, जबकि लैंडर से यान चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और रोवर को तैनात करेगा। इसरो ने चंद्रयान 2 के लैंडर का विक्रम रखा है। दरअसल ये नाम डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर दिया गया है। इसका मकसद विक्रम साराभाई को श्रद्धांजलि अर्पित करना है। मालूम हो, साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। विक्रम का वजन 1471 किलोग्राम है। ये करीब 650 वाट बिजली जनरेट कर सकता है। इसे चांद में एक दिन तक काम करने के लिए तहत तैयार किया गया है। बता दें कि चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। विक्रम लैंडर बंगलुरु के पास स्थित इसरो के सेंटर से संपर्क कर सकता है। साथ ही इसमें प्रज्ञान रोवर और ऑर्बिटर से भी संपर्क करने की क्षमता है। बता दें कि विक्रम का वजन 1.4 टन है, जो 27 किलोग्राम के प्रज्ञान को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर दो क्रैटरों के बीच ऊंची सतह पर उतारेगा। इसरो ने भारतीय परंपरा से प्रेरित होकर रोवर का नाम प्रज्ञान रखा है। ये नाम संस्कृत भाषा से लिया गया है। इसरो ने बताया कि प्रज्ञान का अर्थ बुद्धिमता होता है। प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर अपनी बुद्धिमता का परिचय देगा, साथ ही वो वहाँ कई चीज़ों का पता भी लगाएगा। रोवर सौर ऊर्जा से संचालित होगा। इसमें 6 पहिए लगाए गए हैं, जिसकी मदद से ये 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ेगा और करीब 500 मीटर की दूरी तय करेगा। रोवर चांद पर केमिकल विश्लेषण करेगा और ये डाटा लैंडर को भेजेगा। लैंडर के जरिए ये डाटा इसरो के अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुँचेगा। बता दें कि पहला चंद्रयान 10 साल पहले लॉन्च कर दिया गया था, जिसके बाद चंद्रयान दो के लिए रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कॉसमोस ने नवंबर 2007 में इस प्रोजेक्ट में जुड़ने और इसके लिए लैंडर बनाने की बात कही थी, जिसके बाद 2008 में सरकार की ओर से इसरो को इस मिशन के लिए अनुमति मिली और 2009 में इसकी डिज़ाइन तैयार कर ली गई। वर्ष 2012 में लॉन्चिंग तय की गई, लेकिन कुछ कारणों के चलते इसे टाल दिया गया। इसके बाद जनवरी 2013 में लॉन्चिंग फिर तय की गई, लेकिन रोस्कॉसमोस लैंडर नहीं दे पाए और लॉन्चिंग 2016 तक टल गई। हालांकि रूसी एजेंसी ने 2015 में इस प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिए। इसके बाद इसरो ने खुद स्वदेशी लैंडर रोवर विकसित किया और लॉन्चिंग मार्च 2018 तय की गई, लेकिन कुछ टेस्ट के लिए लॉन्चिंग अप्रैल 2018 और फिर अक्टूबर 2018 तक टाल दी गई। वहीं इसरो ने जून 2018 में फैसला लिया कि कुछ ज़रूरी बदलाव करके चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग जनवरी 2019 तय की गई। फिर भी तारीख आगे बढ़ाकर फरवरी 2019 की गई। अप्रैल 2019 में भी लॉन्चिंग की बात सामने आई थी, पर हुई नहीं, जिसके बाद 15 जुलाई को लॉन्चिंग किया जाना था, लेकिन तकनीकी कारणों से नहीं हो पाया, जिसके बाद 22 जुलाई को इस मिशन की सफल लॉन्चिंग हुई। चंद्रयान 2 का कुल वजन 3850 किलोग्राम है, जिसमें से ऑर्बिटर का वजन 2379 किलोग्राम, लैंडर का 1471 किलोग्राम और रोवर का 27 किलोग्राम है। यान में कुल 14 पेलोड लगाए गए हैं, जिसमें 13 भारतीय, 8 ऑर्बिटर, 3 लैंडर तथा 2 रोवर हैं। लैंडर में एक पेलोड नासा का भी है। बता दें कि इसरो ने चंद्रयान 2 के लिए महत्वपूर्ण पेलोड के ए बैंड रडार अल्टीमीटर तैयार विकसित किया है। ये पेलोड चंद्रयान 2 के लैंडर में लगा हुआ है, जिसकी इंट्रीगेशन लैंडर में किया गया है। KA बैंड रडार अल्टीमीटर और HDA प्रोसेसर चंद्रयान 2 के लैंडर का अहम पेलोड है, जिसे स्वदेशी तकनीक से अहमदाबाद के अंतरिक्ष अनुप्रयोग ने तैयार किया है। मिशन में इसकी खास भूमिका है। ये यान चांद पर पानी के सबूत खोजेगा। अगर ऐसा हो पाता है तो अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में बड़ी सफलता होगी। चांद पर पानी और ऑक्सीजन पाए जाने पर यहाँ बेस कैंप बनाए जा सकेंगे। साथ ही चांद से जुड़े शोध कार्य के साथ साथ अंतरिक्ष से जुड़ी अन्य मिशन भी तय हो पाएंगे।
अंतरिक्ष एजेंसियां मंगल ग्रह तक जाने के लिए चांद को लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल कर सकेगी। इसके अलावा यहां पर जो भी मिनरल्स पाए जाएंगे उनका उपयोग भविष्य के मिशन में किया जा सकेगा। साथ ही चांद पर बर्फ की खोज हो पाती है तो भविष्य में यहां इंसानी बस्तियां बसाई जा सकेंगी। चंद्रयान 2 यहां पर खनिजों की खोज भी करेगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।